physics art team, Madhumita Mukherjee. I promise a better scoring in your physics. Abhi mera 10 number question dekh lo. Question number 10 dekh lo. It 2020 ka question hai. When open pipe is closed from one end, third overtone of closed pipe is higher in frequency by 150 hertz than the second overtone of open pipe. The fundamental frequency of open pipe will be. Aapka option kya hai? 400 hertz. B is 200 hertz. C is 500 hertz. And D is 300 hertz. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन किया है. देखो, व्हेन एन ओपन पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड, तो ओपन पाइप जो है उसको क्लोज कर दिया. थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप इज हायर इन फ्रीक्वेंसी बाय 150 देन द सेकेंड ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप. तो पहले ओपन मत करो ना, सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप ले लो पहले. सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप सोच लो. सेकेंड ओवरटोन इसमें 1:2:3:4 ऐसे जाता है. सेकेंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, 1, 2, 3 थर्ड हार्मोनिक. फंडामेंटल करोगे तो क्या आता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है V/2L आता है. L इज द लेंथ. फंडामेंटल में ऐसा केस आता है एंड V अपन 2L आता है. सेकेंड ओवरटर्न बोले तो 3 times. सेकेंड ओवरटर्न बोले तो 3 times. दिस क्लियर? दिस इज सेकेंड ओवरटर्न ऑफ ओपन पाइप. Now, when the open pipe is closed from one end, third overtone of closed pipe. Now, same pipe आपने क्लोज कर दिया इधर, देन इसका रेशियो क्या हो गया? रेशियो ऑफ ओवरटोन क्या हो गया? 1:3:5:7. देन थर्ड ओवरटोन मतलब फोर्थ हार्मोनिक, 1, 2, 3, 4 ये वाला 7 into होगा. इन दिस केस थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप. फंडामेंटल किसको बोलते हैं? फंडामेंटल इज V/4L. ठीक है, थर्ड ओवरटोन में 7 into 7. थर्ड ओवरटर्न बोले तो 7 into 7. थर्ड ओवरटर्न बोले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 7 times मल्टीप्लाई करना पड़ा. नाउ थर्ड ओवरटर्न ऑफ क्लोज पाइप इज हायर इन फ्रीक्वेंसी बाय 150. तो दिस इज हायर इन फ्रीक्वेंसी बाय 150. सो 7V/4L - 150 विल बी इक्वल टू 3V/2L. करेक्ट? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप पूछा है, मीनिंग बाई आपको पूछा है न्यू नॉट V/2L इक्वल टू कितना. दिस इज योर क्वेश्चन. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप कितना वो पूछा है. आपका इक्वेशन है ऐसा, थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप इज हायर इन फ्रीक्वेंसी बाय 150 देन द सेकेंड ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप. इससे ये 150 ज्यादा था तो 150 मैंने माइनस कर दिया, करके इक्वेट कर दिया. अभी देखते हैं, करो. 7V/4L - 3V/2L इक्वल टू 150. सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? तो 7V सारे को इसको कैसे सॉल्व करें? करो ना, 4L ले लो नीचे. तो 7V - 6V = 150. सो वेलोसिटी नहीं थी, अच्छा तो V/4L आ गया.
इधर से आ गया तुम्हारा v बाई फोर एल इक्वल टू 150। आपको चाहिए v बाई टू एल, सो v बाई टू एल कितना होगा, v बाई टू एल होगा 300। 300 हर्ट शो की पे योर करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आई? देखो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, व्हेन यू प्रिपेयर्ड बेसिकली फर्स्ट ए थर्ड ओवरटर्न ऑफ क्लोज पाइप आपको देखना। थर्ड ओवरटर्न ऑफ क्लोज्ड पाइप विल बी सेवन टाइम्स ऑफ न्यू सी। न्यू सी क्या है, v बाई फोर एल, फोर एल का सेवन से मल्टीप्लाई करो, ये सब दिखाना है। v इक्वल टू न्यू लैम्डा, सो न्यू इक्वल टू v बाई लैम्डा। इन दिस केस फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल होता है दिस एंड दिस, फंडामेंटल होता है l इक्वल टू लैम्डा बाई फोर। सो लैम्डा इक्वल टू फोर एल, फोर एल डालोगे तो v बाई फोर एल विल बी योर फंडामेंटल। फंडामेंटल से सेवन टाइम्स करोगे तो आता है थर्ड ओवरटर्न, सेवन टाइम्स करोगे तो आता है फोर हार्मोनिक्स। फोर हार्मोनिक्स मतलब थर्ड ओवरटर्न, दिस इज योर फोर्थ हार्मोनिक्स, फोर्थ हार्मोनिक्स, हार्मोनिक, फोर हार्मोनिक मीन्स थर्ड ओवरटर्न। ओवरटर्न दिखाई दे रहा है, थर्ड फोर्थ हार्मोनिक मतलब थर्ड ओवरटर्न, सो फोर्थ हार्मोनिक से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्लियर हुआ बात? तो आपका क्वेश्चन आंसर आ गया 300 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट 20 इयर्स ऑफ क्वेश्चंस आई हैव एक्सप्लेन्ड लाइक दिस, इफ बेनिफिटेड टू वॉच।